तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल यूनियन के सदर जनाब राजेंद्र साहब आज यहाँ पर मीटिंग मुनक़िद किए, जिसमें रंगारेड्डी के प्रेसिडेंट जनाब लक्ष्मण साहब, सिटी के प्रेसिडेंट श्रीराम और हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट और सेंट्रल यूनियन के मेम्बरान इस मीटिंग में हिस्सा लिए। और हैदराबाद सेक्रेटरी देवेंद्र साहब भी इस मीटिंग में थे। चीफ मिनिस्टर साहब जो पिछले 10 दिन से हैदराबाद में जो तूफान से जो भी नुकसान हुआ, जानी माली नुकसान हुआ, तो उसके लिए 550 करोड़ जो चीफ मिनिस्टर साहब रिलीज करे, उसको मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना एनजीओज भी आज ये आपके ज़रिए से हुकूमत को बताना चाह रही कि भाई हर वक्त हम लोग मुश्किल के टाइम में सरकार के साथ ठहरे। पिछले कोविड में या इससे पहले जब केरला में भी परेशानी हुई थी तूफान की, तो जब भी हम लोग बहुत बड़ी मदद किए थे और स्टेट गवर्नमेंट को भी पिछले बार भी 50 करोड़ रुपये दिए थे एक दिन की तनख्वाह। तो कल स्टीयरिंग कमेटी रखी गई, उसमें फैसला लेके इंशाल्लाह फाइनेंशियल हेल्प करने की भी बात की गई। और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के मेरे जानिब से हम लोग 8 से 10 कॉलोनीस और बस्तीस आइडेंटिफाई करे, कल से हमारा काम शुरू हो रहा। पिछले 3 दिन से हम लोग काम कर रहे, बिल्कुल उसी नदीम कॉलोनी में भी हमारे खाले साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, और बारकस में हमारे मुखिल साहब है, और सरूनगर में बालदा साहब है। बहरहाल ये तमाम हमारे कायदीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी दूसरे जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिलकर कोई भी तकलीफ़ में जितने भी हमारे लोग हैं उनको तकलीफ़ से बाहर लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और जो भी हमारे से हो सकेगा वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करिए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हमेशा हर परेशानी में आप तमाम लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना।